गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर, दैट इज़ द वर्क एनर्जी एंड पावर। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच टर्म। व्हाट इज़ योर वर्क, वर्क का मतलब क्या है, आपका एनर्जी का मतलब क्या है, आपके पावर का मतलब क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं वर्क से। व्हाट इज़ योर वर्क डन, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। वर्क डन बाय फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मीन्स आपको कंपोनेंट ऑफ फोर्स लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको मल्टीप्लाई करना है डिस्प्लेसमेंट से, तब जाके आपको एक मिलेगा क्या रिलेशन, एफ डॉट डी। आपने मैथ्स चैप्टर में पढ़ा होगा, वैक्टर चैप्टर्स में पढ़ा होगा, एफ डी कॉस थीटा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डी होता है। अगर आप इसे फर्दर खोलेंगे एफ डॉट डी को क्या लिखेंगे, एफ डी कॉस थीटा। आइए थोड़ा सा मतलब समझते हैं इसका, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। यहाँ पे लेट अस सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक पे लेट अस सपोज फोर्स लग रहा है किसी एंगल एफ पे, लेट अस सपोज किसी एंगल थीटा पे ये फोर्स लग रहा है। लेट अस सपोज ड्यू टू दिस फोर्स ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से यहाँ तक मूव करके पहुँच जा रहा है। लेट अस सपोज आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच चुका है। लेट अस सपोज हमने एज्यूम किया यहाँ से यहाँ तक कितनी है डिस्टेंस, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है आपकी कितनी, डी। अब अगर आपसे, आप लोग जानते हैं वर्क डन, बेसिकली आप जानते थे आज तक वर्क डन क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ये रिलेशन लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टोटली रॉन्ग। द रीज़न बीइंग, ध्यान से सुनेगा, रीज़न क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये रिलेशन तब वैलिड है जब आपका फोर्स अगर अलोंग है डिस्प्लेसमेंट के। क्या ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग है, बिल्कुल नहीं, ये फोर्स तो किसी एंगल पे लग रहा है, यानी ये रिलेशन आपका कंप्लीट ट्रू नहीं है। इट्स ट्रू बट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। आइए समझते हैं तो एक्चुअल रिलेशन आपका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, इसीलिए डेफिनेशन दी है। अगर मैं इसके इस फोर्स के दो कंपोनेंट लूँ तो ये कंपोनेंट कहलाएगा क्या हो जाएगा, दिस विल बी एफ कॉस थीटा। इस फोर्स का दूसरा कंपोनेंट अगर मैं निकालूं वो क्या हो जाएगा आपका, एफ साइन थीटा। अब ध्यान से देखिएगा इन दोनों में से एफ कॉस थीटा कंपोनेंट क्या है, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, क्यों डिस्प्लेस हो रहा है, बिकॉज ऑफ एफ कॉस कंपोनेंट से, ये एफ कॉस थीटा कंपोनेंट इसको क्या कर रहा है, ड्रैग कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमें फोर्स असल में कौन सा लेना चाहिए, हमें फोर्स एफ की जगह एफ कॉस थीटा लेना चाहिए, एफ कॉस थीटा लेना चाहिए इनटू डिस्प्लेसमेंट डी। आपने मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ा था वेक्टर चैप्टर में क्या, एफ डी कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट डी। यहाँ से आपका रिलेशन निकल गया है वर्क डन का, समझ में आया। तो ये डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन भी यही कह रही है आपको फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। आपको ये एफ नहीं लेना है, आपको ये एफ नहीं लेना, आपको वो एफ लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, यानी आप लेंगे एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपका एक्चुअल फार्मूला क्या हो चुका है, आपका ऑलवेज जो वैलिड फार्मूला है एफ डॉट डी, ना कि ये वाला सर्टेन सर्कमस्टेंसेस लाइक जब फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट में ही लग रहा हो। बात समझ में आ चुकी है, आइए फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप डेफिनेशन इसकी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए लेट अस सपोज मैं इस वॉल को पुश कर रहा हूँ, मैंने इस वॉल को पुश किया, क्या हुआ, ये वॉल क्या डिस्प्लेस हुई, बिल्कुल नहीं हुई डिस्प्लेस। तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, आइए रिलेशन पे जाते हैं अपने, क्या है डिस्प्लेसमेंट, डी कितना है, जीरो। तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, यानी वर्क डन आपका क्या आएगा, जीरो। तो जब भी आप किसी वॉल को प्रेस करते हैं वर्क डन क्या आता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, जीरो आता है। बट इन रियलिटी, ध्यान से सुनिएगा, इन रियलिटी लेट अस सपोज मैं इसे कंटिन्यूअसली एक घंटे तक प्रेस कर रहा हूँ, क्या होगा, मेरी मसल्स क्या हो रही है, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, मेरी इंटरनल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू प्रेस दिस वॉल। एक या दो घंटे बाद क्या होगा, मैं टायर्ड अप हो जाऊँगा, मैं थक जाऊँगा, तो मेरी वो एनर्जी गई कहाँ, यानी मैं कुछ ना कुछ वर्क कर रहा हूँ। कहने का मतलब है इसको प्रेस करने में एक्चुअली वर्क होता है, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आपका यहाँ पे क्या है, नेटवर्क इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है। वही लिखा है पुशिंग हार्ड अगेंस्ट द वॉल, जब आप वॉल को पुश करते हो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क नॉट डन, बट एक्चुअली वर्क इज डन एज मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग एंड इंटरनल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड अप एंड वी गेट टायर्ड। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आइए थोड़ा सा इसको, इस लेसन को
थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। वर्क डन आपका क्या है एफ डॉट डी का, ध्यान से देखिएगा, वापस आ जाइए यहीं पे। यहाँ पे हमने रिलेशन निकाला एफ डॉट डी, यहाँ पे फोर्स क्या है आप लोगों को पता है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने वेक्टर का साइन लगा दिया। डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, आप लोगों ने मैथ्स में वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था क्या, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकल के आता है एक स्केलर प्रोडक्ट, यानी एफ इज स्केलर, डी इज सॉरी एफ इज वेक्टर, डी इज वेक्टर, उन दोनों का प्रोडक्ट वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। तो वही लिखा है यहाँ पे, एफ डी क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी एंड वर्क क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी। कभी कभी आपके सिंपल एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, लाइक वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, लाइक स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। आइए अब आइए ध्यान से देखिएगा, हमारा ये रिलेशन है। अब कुछ केसेस डील कर लेते हैं जहाँ पे वर्क डन आपका जीरो हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, आपका रिलेशन ये है, कहाँ कहाँ वर्क डन जीरो हो सकता है, जहाँ डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो, जैसे हमने अभी देखा था क्या, आप वी यू आर प्रेसिंग अगेंस्ट द वॉल। दूसरा का नेट फोर्स अगर आपका जीरो हो, किसी बॉडी पे नेट फोर्सेस जो लग रहे हैं वो जीरो हो, अगेन जीरो इंटू डिस्प्लेसमेंट जीरो, दो केस ये हो चुके हैं। आइए इन दोनों केस को डिटेल में पढ़ने के बाद एक स्पेशल केस पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पे, नो वर्क इज डन, यानी वर्क डन जीरो आएगा यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बताने की ज़रूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो आपका वर्क डन जीरो आ चुका है। एग्जांपल क्या है, वेट लिफ्टर होल्डिंग 100 केजी फॉर 60 सेकेंड, वेट लिफ्टर ने क्या किया है 100 केजी उठा रखा है वेट 60 सेकेंड के लिए, क्या हुआ उसने वेट उठाया है, लेट अस सपोज वेट लिफ्टर ने वेट उठाया, ध्यान से देखिएगा ये वेट लिफ्टर ने वेट उठाया है mg नीचे को, सिर्फ उठाया है, फोर्स क्या लग रहा है नीचे को mg ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटेशनल पुल, फोर्स क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फोर्स समथिंग है, तो आंसर क्या आएगा आपका जीरो आएगा। आइए नेक्स्ट केस देखते हैं, दूसरा केस, अगर किसी बॉडी में नेट फोर्स जीरो लग रहे हैं, अगेन आंसर जीरो आना चाहिए। कौन सा ऐसा केस हो सकता है, अगर कोई बॉडी, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई बॉडी आपके मूव कर रही है इस डायरेक्शन में विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ध्यान से देखिएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा जीरो, क्यों जीरो होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आपका होता है डी वी बाई डी टी, ऑलरेडी बता चुका हूँ वी क्या है आपका एक कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड, जब आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट को तो आपका आंसर क्या आएगा जीरो, यानी ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, लेट अस सपोज 60 किलोमीटर पर आवर, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है दैट मींस नेट एक्सेलरेशन इसमें जीरो है, जब एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स कितना, फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो है यानी इस पर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है नेट फोर्स इस पर जीरो एक्ट कर रहे हैं, जब नेट फोर्स आपके जीरो हैं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फोर्स जीरो इंटू डिस्प्लेसमेंट समथिंग, आंसर क्या आएगा आपका अगेन जीरो। तो वही लिखा है यहाँ पे, बॉडी मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस और बॉडी मूविंग ऑन ए विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वट एवर, बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल हैं। आइए थर्ड केस डील करने जा रहे हैं, आपका वर्क डन तब भी जीरो होता है यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हैं, कौन सी सिचुएशन की बात कर रहे हैं आइए ध्यान से देखिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपके पास ध्यान से देखिएगा ये है एक बॉडी, इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और यदि अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ तक दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, इन दैट केस अगेन वर्क जीरो आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आप रिलेशन जानते हैं F dot d equals to F d cos theta, cos theta कितना है 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है जीरो, यानी जब भी दोनों के बीच में एंगल 90 है तब भी आपका वर्क जीरो आएगा, और आना भी चाहिए, क्या फील कर पा रहे हैं, क्या फील कर पा रहे होंगे, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, क्या वर्क हुआ, क्या वर्क हुआ, ध्यान से देखिएगा। आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके चल रहे हैं, यहाँ पे देखिए बॉडी मूविंग ऑन ए स्मूथ सरफेस, बॉडी स्मूथ सरफेस पे मूव कर रही है, लेट अस सपोज ये एक आपके पास बॉडी है, ये एक स्मूथ सरफेस पे मूव कर रही है, इस बॉडी का mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्मूथ सरफेस है मतलब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है मतलब इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, अगर फ्रिक्शन होता तो वर्क डन जीरो नहीं होता, क्यों, आइए पहले स्मूथ वाला केस देख रहे हैं, स्मूथ सरफेस है यानी फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शन जीरो है यानी फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, तो एम जी इधर है एंड
mg इधर है एंड डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री, यानी वर्क डन जीरो। अगेन अब आइए फ्रिक्शन वाला केस लेते हैं। अगर इस बॉडी पे फ्रिक्शन होता, अगर ये स्मूथ सरफेस नहीं होता तो क्या होता, ये बॉडी अगर ये आगे मूव कर रही है तो इस बॉडी पे क्या होगा, अगर इस फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, इस बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स FF इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट आगे है, फोर्स इधर है, क्या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क डन की कुछ ना कुछ वैल्यू आती, दैट टू नेगेटिव। क्यों आती है नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो कहने का मतलब है फ्रिक्शन के कारण वर्क डन जीरो नहीं होता। ये फ्रिक्शन वाला केस हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, शायद इतना अभी जितना एक्सप्लेन किया जा रहा है इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, मून ऑर्बिट अराउंड सन, नॉट सॉरी अर्थ। ध्यान से देखिएगा, लेट अस सपोज ये आपकी अर्थ है, अर्थ के चारों ओर, दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज योर मून। ये मून क्या कर रहा है, चारों ओर अर्थ के रिवॉल्व कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है क्या करती है धरती, क्या करती है, ग्रेविटेशनल पुल लगाती है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या करता है नीचे को आता है, इस पर कितना फोर्स लगता है mg। ये धरती या ये अर्थ क्या करती है, इस पर ग्रेविटेशनल पुल लगाती है। अगर ये फ्री होती डेफिनेटली नीचे गिरती, क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ अगेन ये है, अगेन इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल, ऑब्जेक्ट इधर है, अगेन ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ, ऑब्जेक्ट इधर है, ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ, ऑब्जेक्ट इस साइड है, ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ। तो कहने का मतलब है आपका ग्रेविटेशनल पुल मून का क्या होगा, टुवर्ड द अर्थ, यानी mg पुल होगा, किसका, मून का, अर्थ के डायरेक्शन में। अगर मैं अभी ये मून आपका गोल घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, अगर इस मून पे मैं इस इंस्टेंट पे, इस समय पे, इस क्षण पे अगर आपसे डायरेक्शन पूछूं, तो आप क्या करते हैं, किसी भी सर्कल पे अगर आपसे किसी पॉइंट पे डायरेक्शन पूछा जाए तो आप वहाँ पे क्या कर देते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो इसका इस इंस्टेंट पे डायरेक्शन ये है, यानी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है इस इंस्टेंट पे, एंड क्या, फोर्स इस डायरेक्शन में, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री, एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री मींस कॉस 90 क्या होता है, जीरो, यानी वर्क डन अगेन मून वाले केस में भी जीरो हो चुका है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, कूली कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड एंड मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। आइए ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कूली क्या कर रहा है, लेट अस सपोज आपके पास एक पर्सन है, ये आपका कूली है, क्या है इसके हेड पे यहाँ पे वेट रखा हुआ है इस बॉडी का। ध्यान से देखिएगा, ये कूली क्या चेक कर रहा है, ये कूली सरफेस पे चल रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी। तो होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट अभी पूरा का पूरा इस कूली के साथ ये ऑब्जेक्ट आगे आएगा, यानी अगर इस ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ, इस ब्लॉक पे इसका जितना भी वेट है, नीचे फोर्स लग रहा है इसके, वेट mg ग्रेविटेशनल पुल। ध्यान से देखिएगा, अभी कूली यानी ये पर्सन आगे आया तो डेफिनेटली ये ब्लॉक भी आगे आया होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, जितना पर्सन का डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है इनटू डी, तो फोर्स इनटू डी, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, अगेन 90 डिग्री, तो अगेन वर्क डन जीरो। बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखिएगा, ये तो ऑब्जेक्ट पे नेट वर्क डन जीरो है, यानी कोई कार्य नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट, क्या पर्सन कोई कार्य कर रहा है, पर्सन आगे तो मूव कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पर्सन है आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मींस नेट फोर्सेस इसमें जीरो हैं, नेट फोर्सेस जीरो, तो आपको रिलेशन पता है वर्क डन का क्या होता है, फोर्सेस इंटू डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्सेस अगेन जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वट एवर कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन नेट फोर्सेस कितने हैं, जीरो हैं। क्यों है नेट फोर्सेस जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मींस फोर्सेस जीरो, फोर्सेस जीरो मींस वर्क डन जीरो, यानी कूली के द्वारा किया गया कार्य जीरो। बात समझ में आ रही है, बट अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के अलावा सम अदर वेलोसिटी से चलता, डेफिनेटली आपका कूली भी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। दीज आर द रिलेटिव टर्म्स। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का मतलब एक ऑब्जेक्ट आपका वेलोसिटी आपने दी है, एक गिवन वेलोसिटी दी है, तो क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया, एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और एक ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो मूविंग रहेगा। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ये जो कूली है ये मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कूली मूव करता ही रह रहा है, इसलिए इसमें नेट फोर्स जीरो लग रहे हैं, इसलिए आपका वर्क डन क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। आई होप आपको ये तीनों एग्जांपल क्लियर हुए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, जा रहे हैं
आपका देखिए फ्रिक्शन के कारण देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वर्क आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो तो आप देख चुके हैं, यानी वर्क की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये नेगेटिव वर्क का क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा, फ्रिक्शन वाला अगर हम केस लें, किसी बॉडी पे अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो क्या होता है, फ्रिक्शन बॉडी के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स एंगल दोनों के बीच में कितना होगा 180 डिग्री। तो जब आप फॉर्मूले में डालेंगे वर्क डन एफ एस कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है -1, तो आपका वर्क निकल के आएगा नेगेटिव। आइए समझते हैं थोड़ा सा। लेट अस सपोज आपके पास बॉडी है, या आपके पास बॉडी है, ये बॉडी आगे मूव कर रही है, तो इस बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, तो इस बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एफ एफ फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, बॉडी मूव कर रही है आगे, यानी फोर्स और फोर्स सॉरी दिस फोर्स फ्रिक्शन फोर्स एंड इसका डिस्प्लेसमेंट जो कि आगे है, बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एस या डी बोल दीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है एंड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। एंड 180 आप लोग जानते हैं क्या, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है आपका एफ एस कॉस 180। कॉस 180 मीन्स क्या आ चुका है आपका आंसर, माइनस एफ एस। कहने का मतलब है वर्क डन आपका नेगेटिव आ सकता है, किस केस में, फ्रिक्शन फोर्स के केस में। यही लिखा है फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स थीटा 180, तो फ्रिक्शन के कारण क्या आने वाला है आपका, नेगेटिव। आइए आगे बढ़ते हैं। आपने बाइक का केस देखा होगा, बाइक स्किडिंग ओवर रोड, जब आप रोड में बाइक ड्राइव करते हैं कभी कभी आपकी बाइक स्किड करती है, तो दो केस होते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ, वैसे हम आगे लेटर ऑन पढ़ेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी बॉडी हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू ईच अदर। अगर ए बॉडी फोर्स कुछ लगा रही है तो बी ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उतना ही अमाउंट लगाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, जब बाइक आपके सरफेस में है, लेट अस सपोज दिस इज अ सरफेस, इस सरफेस के ऊपर आपकी बाइक है, ध्यान से सुनिएगा, इस सरफेस के ऊपर आपकी बाइक है। अब ध्यान से देखिएगा, वर्क डन बाय रोड ऑन बाइक, किस पे, बाइक पे, कुछ ना कुछ जब वर्क निकालोगे एफ इंटू एस, जब निकालोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, सम वैल्यू आएगी, लेकिन जब वर्क डन बाय बाइक ऑन रोड निकालोगे वो जीरो आ रही है। क्यों आ रही है, ध्यान से देखिएगा, अभी रोड पे निकाल लें, रोड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेफिनेटली जीरो होगा। जब रोड का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। बट जब आप निकाल लें बाइक पे, तो बाइक का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, एंड फोर्स रोड का, देखिए वर्क डन बाय रोड, ये रोड कितना फोर्स लगा रही है, यानी कितना रिएक्शन लगा रही ऑन बाइक, बाइक का डिस्प्लेसमेंट है और बाइक पे कुछ फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा, रोड के द्वारा, यानी कुछ ना कुछ आंसर आएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। तो कहने का मतलब है, न्यूटन थर्ड लॉ में आपने क्या सीखा था, जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना ही रिएक्टिव फोर्स आपका लगेगा। अगर मैं इस वॉल को प्रेस कर रहा हूँ 100 न्यूटन से, तो इतना ही वॉल 100 न्यूटन मुझे लगा रही है। अगर मेरा फोर्स 100 है और अगर वॉल आपका केवल 80 लगाती, यानी 20 न्यूटन से वॉल पीछे जा रही होती, लेकिन ये वॉल पीछे नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या है, जितना मैं इसे लगा रहा हूँ उतने ही अमाउंट से ये अपोजिटली मेरे में लगा रही है, रिएक्ट कर रही है, दिस इज़ द न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ आपके फोर्स में तो वैलिड है, बट यहाँ पे वर्क में ये बिल्कुल वैलिड नहीं है। अदरवाइज क्या होता, वर्क डन बाई रोड ऑन बाइक जितना भी आ रहा है, वर्क डन बाइक ऑन रोड माइनस टाइम से इतना ही आना चाहिए, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वर्क डन में न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई मत कर देना। तो वही लाइन आपके लिए साफ साफ लिखी है, ताकि आपके साइड बाय साइड नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएं। हाँ, नोट्स के रिगार्डिंग ये बात कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आप स्टडी करते जाइए यहाँ से। एट जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, एट लास्ट आपको PDF अवेलेबल करा दी जाएगी, किसकी, नोट्स की। एंड अदर देन पढ़ाने का मेथड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ क्या है। पहले हम नॉलेज बेसिक डेवलप करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, थ्योरेटिकल नॉलेज लेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल अप्रोच करेंगे, उसके बाद वो न्यूमेरिकल हम किस लेवल तक जाएंगे, देखिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो रही है, लेवल हमारा जाना है अप टू IIT JEE, ताकि हमारे बाकी एग्जाम लाइक KVPY एंड अदर एग्जाम सारे के सारे कवर हो सकें। तो हमारा सिंगल चैप्टर ही काफ़ी लंबा चलने वाला है, क्योंकि एक दो क्लास में हमारे क्या थ्योरेटिकल पोर्शन बेसिक क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हमें डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल के साथ ही खेलना है। अगर आप पेशेंस होगा आपके पास, तो डेफिनेटली आप इस चैनल से यू विल ग्रो अप। ध्यान से देखिएगा हम कहाँ पे थे, तो इतना बात आपको क्लियर है, कंक्लूजन क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा, फोर्स ऑन ए बाई बॉडी बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑन बी बाई बॉडी ए, न्यूटन थर्ड लॉ, अभी जस्ट नाउ मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्या है,
वर्क डन ऑन ए क्या लिखा है, बट वर्क डन ऑन ए बाय बी इज नॉट नेसेसरली इक्वल एंड अपोजिट टू वर्क डन ऑन बी बाय ए। समझ आ चुका है, दोनों इक्वल नहीं है, जिसना मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आइए डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडी कर लेते हैं रिलेटेड टू वर्क डन। आप लोग जानते हैं वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क डन आपका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने यही सीखा था एफ डॉट डी एस, आप लोगों ने क्या सीखा था एफ डॉट डी एस, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यही वर्क सीखा था। आइए डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं जहाँ पे आपको वर्क निकालने के लिए वर्क कैलकुलेट करवा सकता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन हेडिंग है आपकी वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, अगर फोर्स कॉन्स्टेंट है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपके हाथ में है। लेकिन कभी कभी आपका फोर्स वेरिएबल होता है, वेरिएबल मीन्स फोर्स चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, फोर्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ। लेट अस सपोज फोर्स अभी है 10 न्यूटन, थोड़ा देर में 12, थोड़ा देर में 13, 14, 15, यानी फोर्स कांस्टेंट नहीं है, उसका अमाउंट चेंज हो रहा है। आई होप वेरिएबल का मतलब क्लियर है। तो अब देखिए फोर्स वेरी कैसे कैसे कर सकता है, फोर्स आपका वेरी डिस्प्लेसमेंट के साथ, मीन्स आपने बॉडी पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन, डिस्प्लेस हुई बॉडी आगे, तो आज जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये फोर्स भी बढ़ते जा रहा है 13, 14, 15, 16। यानी फोर्स क्या है, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, आपका फोर्स चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ। दूसरा केस क्या बनता है, फोर्स चेंज हो रहा है समय के साथ, टाइम के साथ आपके फोर्स का अमाउंट चेंज हो रहा है। अभी एक सेकंड में फोर्स 10 न्यूटन था, 20 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद कितना हो गया लेट अस सपोज 20 न्यूटन, 30 सेकंड बाद लेट अस सपोज मान लीजिए 500 किलो न्यूटन, व्हाटएवर। तो कहने का मतलब है फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं हम डील करने जा रहे हैं, जब फोर्स है डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन तब हम डील करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं है जिससे हम आपका वर्क कैलकुलेट कर सके। हमें बेसिक डेफिनेशन क्या थी वर्क की, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाता है वर्क, यानी हमें इसी बेसिक फंडा को यूज़ करना है और कैलकुलेट करना है वेरिएबल फोर्सेस के लिए अपना वर्क डन। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसमें फोर्स क्या, ये ग्राफ ऐसे बना है जिसमें क्या दिख रहा है, S1 डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स आपका इतना अमाउंट था, दिस इज द अमाउंट, ये आपका अमाउंट है डॉट 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 डॉट। जब यहाँ पे आपका बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस होकर डी पॉइंट पे गई, आपका फोर्स कितना है यहाँ पे, फोर्स काफ़ी ज़्यादा, यानी फोर्स चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे इस सिचुएशन से कैसे डील करोगे आप लोग, हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है, फोर्स क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एज सच ऐसा कोई टूल नहीं है। अगर मैं एक इस पूरे ग्राफ में अगर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ, ऐसे सपोज मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया, एक छोटा सा एलिमेंट, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इतना डी एस थिकनेस का इतना चौड़ा दिखाया है, असल में इट्स वेरी माइन्यूट, आपको ये क्या नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं, ये काफ़ी छोटा आपने एलिमेंट लिया है, ये छोटा सा एलिमेंट के लिए आप लोग देख सकते हैं ये फोर्स कितना अमाउंट है, ये एक कॉन्स्टेंट है। अगर इस छोटे से एलिमेंट के मैं दो पॉइंट बना लूँ, लेट अस सपोज पी एंड क्यू, ये पी ये क्यू, ये दोनों पॉइंट इतने नज़दीक हैं, इतने नज़दीक हैं, यानी उस दोनों पॉइंट के लिए छोटे से एलिमेंट के लिए छोटे से स्ट्रिप के लिए आप क्या बोल एज्यूम कर सकते हैं, ये फोर्स कॉन्स्टेंट। इस स्ट्रिप के लिए फोर्स कितना है, इसका करस्पॉन्डिंग फोर्स यहाँ पे जितना भी एफ है, तो आप इस स्ट्रिप के लिए क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। ये छोटी सी स्ट्रिप का क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी एस, डी एस, ये रिलेशन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये वर्क आपने किसके लिए निकाला, एक छोटी सी स्ट्रिप एज्यूम करके, ये छोटी सी स्ट्रिप, छोटा यानी छोटे को दिखाते हैं आप डी से, छोटा वर्क डी डब्ल्यू, एफ क्योंकि छोटी सी स्ट्रिप के लिए एफ है कॉन्स्टेंट, क्यों कॉन्स्टेंट है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एंड डिस्प्लेसमेंट किया है छोटा सा वेरी माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट डी एस। यानी आपने जो ये रिलेशन निकाला, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेशन निकाला, और ये रिलेशन अब अगर आप इतना निकाल चुके हैं तो अब तो कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से जहाँ तक आपको वर्क निकालना है, दैट मीन्स S1 से S2, यानी S1 डिस्प्लेसमेंट से S2, ये दिस इज द डॉट 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 डॉट, दिस इज योर S2, S1 से S2 तक इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका वर्क निकल के क्या आ जाएगा, ये DW को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से W, तो आपका W निकल के आ गया F डॉट DS, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं तो वेक्टर दिखा सकते हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए S1 से S2, तो आपका नया रिलेशन निकल के आ चुका है। तो कहने का मतलब है, जब भी आपके न्यूमेरिकल इस टाइप के आएंगे जहाँ पे फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दे देगा फोर्स कैसे, दे देगा 4x² + 3x - 2
एफ इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू वट एवर ऐसा कोई फंक्शन दे देगा इंटू डी एस, आपको इंटीग्रेट करना है और आंसर निकालना है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। तो वही लिखा है, ध्यान से देखिए, इस साइड देखिए, यहाँ पे केस वन डील कर रहे हैं एफ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू एफ डॉट डी एस कैसे लिखा, अभी समझाया था, एक स्मॉल स्ट्रिप के लिए हम ये लिख सकते हैं, आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो आपका वर्क फाइनल निकल चुका है। अगर इतना क्लियर हुआ तो हम नेक्स्ट स्विच ऑन कर रहे हैं किसकी तरफ, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी समय के साथ भी आपका फोर्स चेंज हो रहा है। मैं इस चीज को रब कर रहा हूं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अभी आपको पता है कि स्मॉल स्ट्रिप के लिए आप क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट डी एस इक्व टू डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू मीन्स छोटा वर्क। इंटीग्रेट कर देखिए, अब मैंने क्या किया, क्योंकि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मुझे एक रिलेशन बनाना है टाइम के साथ, फोर्स क्योंकि वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे अगर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर आप यहाँ डालेंगे तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, इस रिलेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए, मैंने दोनों साइड ऊपर भी डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, डी टी से नीचे भी डिवाइड कर दिया। डी टी क्या है, स्मॉल टाइम, जिसमें वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्ट्रिप का। तो डी टी डी टी ऊपर किया, तो डी एस बाई डी टी क्या होता है, डी एस बाई डी टी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वेलोसिटी क्या होता है आप लोग ये लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी, एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलेंगी, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जर्क मिलेगा। अब ये जर्क क्या होता है लेटर ऑन हम स्टडी करेंगे, अभी ध्यान से सुनिएगा, अभी ध्यान से सुनिएगा क्या बातें चल रही हैं। तो यहाँ पे डी टी से मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, अब क्या हुआ, डी एस बाई डी टी को मैंने v वेलोसिटी लिख दिया, तो f डॉट v डी टी आपका रिलेशन आ चुका है। डी डब्ल्यू दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, इधर भी और यहाँ पे है डी डब्ल्यू, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो डी डब्ल्यू का निकल के आएगा w, इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, टाइम टी वन से टाइम टी टू, दो सेकेंड से दस सेकेंड तक अगर आपसे वर्क निकलवा रहा है तो आप कर दीजिए टी वन से टी टू, तो यहाँ पे आपका रिलेशन निकल चुका है वर्क का, क्या एज ए फंक्शन ऑफ, क्या जब आपका फोर्स क्या फंक्शन ऑफ टाइम तब आप न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करेंगे, जब फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तब आप न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर इतना आपको क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ें। ओके, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लिखा है नोट वर्क डन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग एफ एंड एस ग्राफ। एफ एस ग्राफ क्या है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। क्यों, ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एफ डी एस ग्राफ को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर दिया मतलब आपने एक छोटी सी स्ट्रिप ली, इस छोटी सी स्ट्रिप को इंटीग्रेट कर दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा इंटीग्रेट कर दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी एरिया निकाल दी। तो कहने का मतलब है एफ डॉट डी एस मीन्स आपने ये पूरे की शेडेड अगर मैं करूँ ग्राफ को, ये आपने एफ डॉट डी एस इंटीग्रेशन का मतलब, ये सब आपने मैथ्स में सीखा होगा, आपने ये एरिया निकाल दी। तो ये जो रिलेशन था एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, इसको नेक्स्ट लाइन में मैं लिख सकता हूँ एरिया अंडर ये पूरा। तो वही लिखा है मैंने, वर्क डन क्या है एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है एरिया अंडर पूरा ग्राफ। पूरा ग्राफ क्या है, ए बी सी डी ए, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ए, यानी ये पूरी की पूरी एरिया अगर आप कैलकुलेट कर पाएँ तब भी आप वर्क डन निकाल सकते हैं। अब ये क्यों एक्सप्लेन किया, कभी कभी सिंपल सा आपका क्वेश्चन ऐसे दे देगा, कैसे दे देगा, बोल देगा ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक वर्क निकाल दीजिए। अब आपको पता है ये ट्रेपीजियम बन रहा है, ट्रेपीजियम की एरिया आप लोग निकाल सकते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये सब मैथ्स के बेसिक फॉर्मूले। तो आपको डायरेक्टली ये इंटीग्रेशन वगैरह इतना सब में नहीं जाना है, आप तो बस इसकी एरिया निकालिए, आंसर लिख दीजिए, दैट इज योर वर्क डन। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में भेज सकते हैं। थैंक यू।